नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों का कामकाज बंद है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर जरूरतमंद को राशन और भोजन मुहैया कराने की घोषणा की गई है, जिसका परिणाम भी देखा जा रहा है कि लोग सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। लेकिन वहीं वार्ड नंबर 1 सलाह नगर लोनी की जनता के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप है। लोगों ने बताया कि ना ही सफाई व्यवस्था ठीक है और ना ही लोगों को राशन और भोजन सही ढंग से मिल रहा है, इसमें भेदभाव किया जा रहा, ऐसा लोगों का आरोप है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हाँ, हमारे देश में जो कोरोना द्वारा है, जो हर तरह के, चाहे मेडिकल से हैं, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे जो भी, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। वो बेचारे अपने का कार्य में एकदम डटे हुए हैं, लेकिन जो स्थानीय कियत है, प्रशासन है, ये तो ना के बराबर है। सर, मेरा नाम विकल कुमार है, वार्ड नंबर 1 से कूट सभासद रहे हैं, हमारी घरवाली यहाँ से नीता देवी जी। आज पूरी वार्ड नंबर 1 खाने से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पूरा वार्ड खाने से परेशान है, कुछ ही लोगों तक खाना पहुँच पा रहा है। यहाँ पर जो तहसील वाले लोग हैं, पता नहीं वैसा कुछ चावल टाइप का बनाते हैं, वो इतना अच्छा भी नहीं होता जो उधर खाने के लिए लोग तैयार हों। तो क्या वो घर घर जाके देते हैं या कोई प्रोसेस क्या है उनके बांटने का? नगर पालिका के कुछ बंदे, 2-3 बंदे लगा रखे हैं, जो लिस्ट में बनवा के नाम लिख के ले गए यहाँ से, उनको ही पहुँचाते हैं और सब जनता के पास कुछ नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ जैसे अभी योगी सरकार ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन दिया जाएगा, इस विषय में क्या जानकारी है आपको? उसमें कुछ लोगों को ही यहाँ राशन मिल चुका है, जैसे कि जिनके राशन है उनको तो मिला ही मिला, कुछ के लिए लिस्ट बनी थी अभी प्रधान के थ्रू या राशन कार्ड वालों के थ्रू, डीलर के थ्रू, तो उसमें कुछ लोगों को राशन भी मिला है। आपके यहाँ पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर किया गया या नहीं? हाँ, एक बार सैनिटाइजर किया गया अपनों वार्ड को। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसे में सफाई व्यवस्था तो बहुत ही कम चल रही है, क्योंकि सब का ध्यान बटा हुआ है, कोई किस काम में लग रहा है, कभी कोई खाने बांटने में लग रहा है। आज पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, क्या कहेंगे आप? कोरोना के लिए जैसे कि थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, कहीं से आए तुरंत उसको हाथ धोने चाहिए, अपने हाथ को सैनिटाइजर करना चाहिए, ये डिटॉल साबुन से हाथ धोए या ऐसा कुछ भी। कहाँ रहती हो? साल नगर में रहती हूँ। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 1। क्या कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहती हूँ, राशन कार्ड नहीं बन रहा, ना राशन सूखा मिल रहा, ना गीला मिल रहा, हमें तो कैसा है बिना मिल रहा। और कहने को जाओ, अब 100 रुपया और उधर का खा लिया हमारे। कौन 100 रुपये किसने मांगा है? चरण ने, आपने दिया है? चरण प्रधान, जो यहाँ का प्रधान है उसने। और सबके राशन कार्ड आ गए हमारे घर में, 3 खाली 3 हमारे घर में, हमारा पहला प्रधान है, उसकी वजह से ना आ रहे दिन कैसे ना आ रहे, अब का हमने भरे, अब कभी नहीं आया, हमारे सबका नाम निकले, नया सैनिटाइजर होते, नया दवाई छिड़के जाते, झाड़ू लगाना कोई आता नाली तक में कीड़ा पड़ जाए, कोई नाली तक साफ करना नहीं आता। गली नहीं बनी है हमारी, गली में ही ऐसा पड़ा है कच्चा पानी, तो घर में क्या सफाई है, घर में तो दूरी होती है। आवाज नहीं आपको? नहीं आ रहा है। कहाँ रहते हो आप? इधर गली में रहते हैं। क्या नाम है आपका? सारी कच्ची पड़ी है। तो आपको सरकारी खाना मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता कुछ भी, यहाँ नहीं कुछ नहीं मिलता है। किसके पास आप गए थे? इधर गए थे, क्या कह दिया, क्या कहा था? गाली और दे रहे, अपने बच्चे ने भूखे मार दो, तुम मर जाओ। खाना आपको मिलता है यहाँ? नहीं, नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहोगे आप क्षेत्र के लोगों को? हम तो नहीं कहेंगे निंगे, हमें तो नुकेरा के भगवान है, सब लेंटर पड़ रहे हैं, अब लेंटर रखा हुआ है हम, कोई बताओ सरकार की तरफ से कोई भी खाना या कोई किसी के घर भी कमी ना काई चीज की, सरकार की तरफ से कोई खाना होना नहीं मिलता आपको? हमें तो एक बार चावल बाकी मिले बस। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।